नमस्कार दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एंटोनिम्स के ऊपर अगर आप पूरा वीडियो देखना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को देखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, ये हमारा चैनल है और इसे आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि इंग्लिश ही नहीं बल्कि जीके जी इसकी तमाम वीडियो समान टॉपिक्स पर आप जो है वीडियोज़ पाएंगे। देखिए, अब एंटोनिम्स को जैसा कि आप समझ सकते हैं, इस तरह से अपोजिट वर्ड्स, या आप हिंदी में उल्टा शब्द या विलोम शब्द भी कह सकते हैं। तो लेट नहीं हो, इसके लिए मैंने बहुत ही कम समय आपका लिया है इंट्रोडक्शन में। और देखिए, एंटोनिम्स वर्ड जो उल्टा शब्द है वो इस तरह से बारी बारी आएगा और देखते चलेंगे। जैसे ये पहला वर्ड जो है सो यहाँ पर है कीन, ठीक है। कीन जो है ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका अर्थ होता है तीव्र उत्सुक। देखिए, याद करना पड़ेगा इसे, कीन मीन्स तीव्र उत्सुक, और एंटोनिम्स है इसका यानी कि जस्ट अपोजिट यानी उल्टा, ब्लंट, डल, एपेथेटिक। तो ये है दोस्तों इसका अपोजिट। दूसरा वर्ड है काइंड, यहाँ काइंड, काइंड का अर्थ होता है दयालु। जी हाँ, दयालु जो कि एडजेक्टिव वर्ड है। और इस काइंड वर्ड को लेकर जो अगर एंटोनिम्स की बात की जाए तो एंटोनिम्स जस्ट इसका बस काइंड के पहले अन लगा देना है तो एक वर्ड तो वो हो ही जाएगा अनकाइंड। इसका दूसरा एंटोनिम जो है मी या नेस्टी भी। इस तरह से इन तीनों का अपोजिट अगर बात किया जाए बारी बारी से तो काइंड होगा ही। नेक्स्ट है कीप। कीप मीन्स जो कि वर्ब है और इसका अर्थ है रखना। एंटोनिम्स है गिव अप, डिस्कार्ड, एवेंडन। नेक्स्ट वर्ड देखिए नो वर्ब है और इसका अर्थ है जानना। एंटोनिम्स है इग्नोर, मिस अंडरस्टैंड। नो का अपोजिट एंटोनिम्स क्या होगा, इग्नोर, मिस अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वर्ड देखिए नोइंग जो कि एडजेक्टिव वर्ड है, आपको एडजेक्टिव ज़्यादा मिलेगा। नोइंग मीन्स नोइंग का अर्थ होता है ज्ञान, जानने वाला। एंटोनिम्स है इसका इनोसेंट, एक्सीडेंट, लिजेन्यूस। नेक्स्ट है नो हाउ जो कि नाउन है, अर्थ है ज्ञात। एंटोनिम्स है इग्नोरेंस। तो ये दोस्तों इस तरह से आपको याद रखना होगा इग्नोरेंस। अगला चलिए नोन जो कि एडजेक्टिव है, इसका अर्थ है जाना हुआ, परिचित या मालूम होना, ऐसा भी। एंटोनिम्स है अननोन या सेक्रेट, ठीक है, सीक्रेट। तो चलिए अननोन और सीक्रेट। नेक्स्ट है नॉलेज जो कि नाउन है, इसका अर्थ है ज्ञान, परिचय। एंटोनिम्स है पहला जो आई है उसके बाद डबल एल है, तो इलिटरेसी। नेक्स्ट है जो दोस्तों इग्नोरेंस नॉलेज का। चलिए दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। दूसरा स्लाइड है देखिए लेबोरियस का अर्थ है जो कि एडजेक्टिव है, इसका अर्थ है परिश्रमी, मेहनती, है ना, उधर्म। और एंटोनिम्स है इजी, सिंपल, एफर्टलेस, नेचुरल। याद रखिएगा लेबोरियस का अर्थ एंटोनिम्स है इजी, सिंपल, एफर्टलेस, नेचुरल। जस्ट इसका अपोजिट लेबोरियस हो जाएगा। नेक्स्ट है लैक जो कि नाउन है, अर्थ है अभाव, न्यूनता। एंटोनिम्स हो जाता है एबंडेंस, एक्सेस, सफिशियंसी। नेक्स्ट है लार्ज जो कि एडजेक्टिव है, अर्थ है वैशाल या विशाल भी आप कह सकते हैं, विशाल, बड़ा। एंटोनिम्स है स्मॉल, लाइट, मच। नेक्स्ट देखिए, अब ये वर्ड है लास्ट, एडजेक्टिव है ये और अर्थ है इसका पिछला या अंतिम। एंटोनिम्स है फर्स्ट भी इनिशियल भी लास्ट का। नेक्स्ट जो है वर्ड दोस्तों लेट जो कि एडजेक्टिव वर्ड है, इसका अर्थ है देर से आया हुआ। एंटोनिम्स है इसका लेट का अर्ली, लेट का पंक्चुअल, लेट का अलाइव, लेट का एग्जिस्टिंग। नेक्स्ट देखिए लाफेबल,
लाफेबल एडजेक्टिव वर्ड है, अर्थ है हंसने हंसाने योग्य, एंटोनिम्स वर्ड है सीरियस ग्रेव। नेक्स्ट है लेटर, लेटर जो कि एडजेक्टिव वर्ड है और अर्थ है उत्तर काल का या बाद का, जो बाद में आता है। एंटोनिम्स है फॉर्मर, फॉर्मर लेटर का, फॉर्मर फॉर्मर का लेटर। नेक्स्ट है लैविश, लैविड जो कि एडजेक्टिव वर्ड है और अर्थ है खर्चीला। एंटोनिम्स है मेग फ्रजल, फ्रजल। नेक्स्ट देखिए लॉफुल, लॉफुल एडजेक्टिव वर्ड है, अर्थ है कानूनी, कानूनी या कानून, है ना। लॉफुल, लॉ मीन्स कानून, लॉफुल मीन्स कानूनी। एंटोनिम्स है अनलॉफुल, लॉफुल के पहले जस्ट अन लगा दें यूएन अन, या दूसरा है इलीगल, इलीगल। नेक्स्ट है सो लेजी एडजेक्टिव वर्ड है, हिंदी अर्थ है आलसी। एंटोनिम्स है एक्टिव इंडस्ट्रियस एनर्जेटिक, लेजी का जो है एंटोनिम्स एक्टिव इंडस्ट्रियस एनर्जेटिक, क्या होगा एक्टिव इंडस्ट्रियस एनर्जेटिक, लेजी का एक्टिव इंडस्ट्रियस एनर्जेटिक। ऐसे करके जो है बारी बारी से आप याद कर सकते हैं। लीड, लीड का अर्थ होता है, सॉरी लीड वर्ब है और ये इसका अर्थ है नेतृत्व करना, मार्ग दिखाना। एंटोनिम्स है फॉलो ट्रायल, फॉलो ट्रेल, फॉलो ट्रेल। नेक्स्ट है लर्न, लर्न इसका अर्थ है जो कि एडजेक्टिव है और इसका हिंदी अर्थ है विद्वान। एंटोनिम्स है इग्नोरेंट, इग्नोरेंट, इलिटरेट, इलिटरेट। नेक्स्ट है लीव, वर्ब है, लीव वर्ब है और हिंदी अर्थ है चले जाना प्रस्थान करना। एंटोनिम्स है कम अराइव स्टे, क्या अर्थ है लीव का, कम अराइव स्टे। नेक्स्ट है सो लीगल जो कि एडजेक्टिव है, हिंदी अर्थ है वैध कानूनी। एंटोनिम्स है इलीगल अनलॉफुल, लीगल का अनलॉफुल और इलीगल, पहले ही मैंने बताया था लॉफुल का या इलीगल का, जैसे इलीगल है हाँ तो लॉफुल हो गया था, उसी तरह यहाँ देखिए जब लीगल है तो इलीगल होगा ही। नेक्स्ट है लेजर यानी कि अवकाश, नॉन वर्ड है। एंटोनिम्स है वर्क ऑक्यूपेशन, वर्क ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट है लेंड, वर्ब है, हिंदी अर्थ है ऋण देना उधार देना और एंटोनिम्स है वॉरो डिट्रैक्ट, डिट्रैक्ट। नेक्स्ट है लेंथन, वर्ब है, हिंदी अर्थ है बढ़ाना विस्तार, विस्तार करना, ठीक है बढ़ाना विस्तार करना। एंटोनिम्स है शॉर्टन, लेंथन का शॉर्टन, देखिए ई एन तो याद रखिएगा ई एन, यहाँ ई एन। फिर देखिए कर्टेल और डिक्रीज, कर्टेल और डिक्रीज, तीन है लेंथन का, शॉर्टन कर्टेल और डिक्रीज। नेक्स्ट है सो लीथल, लीथल एडजेक्टिव वर्ड है, इसका अर्थ है प्राणघातक। आप देखते हो कि टर्माइट जो होता है जो दीमक मारने वाला, उस पर लीथल लिखा हो रहा था, प्राणघातक है ना लीथल। और एंटोनिम्स है सो हार्मलेस सिक, हार्मलेस सिक। नेक्स्ट वर्ड देखिए लिबरल, लिबरल एडजेक्टिव वर्ड है, हिंदी अर्थ है उदार दयालु। एंटोनिम्स है माइजरली, माइजरली। दूसरा लिबरल का है नैरो माइंडेड, नैरो माइंडेड। फिर नेक्स्ट है सो लिबरेट एडजेक्टिव वर्ड है और हिंदी अर्थ है मुक्त करना। एंटोनिम्स है कन्फाइन इम्प्रीजन, कन्फाइन इम्प्रीजन। नेक्स्ट है लाई जो कि वर्ब है, हिंदी अर्थ है असत्य झूठ, असत्य झूठ। एंटोनिम्स है ट्रुथ फैक्ट, ट्रुथ फैक्ट। नेक्स्ट है लाइफ जो कि नाउन है और हिंदी अर्थ है जीवन चेतना, जीवन चेतना, दो अलग अलग वर्ड्स। और एंटोनिम्स है डिमाइस डेथ, डिमाइस डेथ, जैसे लाइफ का डेथ और डिमाइस भी होगा तो याद रखिएगा लाइफ का डेथ डिमाइस। नेक्स्ट वर्ड है सो लाइफलेस, लाइफलेस एडजेक्टिव वर्ड है और यह है निर्जीव। और एंटोनिम्स है अलाइव एनिमेट लाइवली, लाइफलेस का अलाइव एनिमेट लाइवली। नेक्स्ट लिफ्ट है वर्ब है, इसका हिंदी अर्थ उठाना। एंटोनिम्स ड्रॉ लोअर प्लेस। नेक्स्ट लाइट, इसका हिंदी अर्थ है प्रकाश और एंटोनिम्स है डार्क डार्कनेस इग्नोरेंस, डार्क डार्कनेस इग्नोरेंस। नेक्स्ट लाइटेन, हिंदी अर्थ है डार्केन, लाइटेन हिंदी अर्थ देखिए सॉरी लाइटेन का हिंदी अर्थ है प्रकाशित करना और एंटोनिम्स है डार्केन। फिर है लाइट हार्टेड एडजेक्टिव वर्ड है प्रसन्न चित्त। एंटोनिम्स है माइजरेबल ग्लूमी,
मेजरेबल वाई है तो मेजरेबल ग्लूमी, मेजरेबल ग्लूमी, लाइट लाइट हर्टेड। नेक्स्ट है लाइट वेट, एडजेक्टिव वर्ड से हल्का वजन, वजन वजन का, हल्का वजन का। एंटोनिम्स है हैवी, हैवी वेटली, हैवी वेट, तीन हो गया लाइट वेट का, अपोजिट कह सकते हैं, एंटोनिम्स कह सकते हैं। तो ये हो गया हैवी वेटली, हैवी वेट। नेक्स्ट देखिए लाइक, एडजेक्टिव है लाइक मीन्स पसंद, एंटोनिम्स है लाइक का डिसलाइक, हेट। नेक्स्ट है जो लिंक, वर्ब है और इसका अर्थ है, हिंदी अर्थ है मिलाना, जुड़ना, और एंटोनिम्स है डिटेच, सेपरेट मतलब अटैच नहीं डिटैच है ना, हटाना। नेक्स्ट है लिसन, लिसन वर्ब है और हिंदी अर्थ ध्यान से सुनना, एंटोनिम्स है इग्नोर, इग्नोर लिसन का इग्नोर। लिटरल एडजेक्टिव वर्ड है, लिटरल का अपोजिट मतलब हिंदी अर्थ तो मूलार्थक है, एंटोनिम से लूज, वैग्यू, इनएक्यूरेट, इनएक्यूरेट लिटरल का। नेक्स्ट है सो लिटल, एडजेक्टिव वर्ड है और हिंदी अर्थ है अल्प, छोटा, तुच्छ, तुच्छ, एंटोनिम्स है विग, लार्ज, लॉन्ग, कॉन्सिडरेबल, कॉन्सिडरेबल, कॉन्सिडरेबल। नेक्स्ट है सो लाइव, एडजेक्टिव वर्ड है, हिंदी अर्थ जिंदा, एंटोनिम्स हो गया इनएक्टिव, एक्टिव नहीं है इनएक्टिव, हालांकि एक्टिव का भी इनएक्टिव हो जाता है, लाइव का भी इनएक्टिव। लिविंग, लिविंग एडजेक्टिव वर्ड है, हिंदी अर्थ है जीवित, एंटोनिम्स है यहाँ पर, एंटोनिम्स है ऑब्सोलेट, एक्सटिंक्ट, ऑब्सोलेट, एक्सटिंक्ट। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ डबल आई को हटा दीजिए, सिंगल आई रखेंगे। लोथ एडजेक्टिव है अनिच्छुक या विमुख, एंटोनिम्स है ईगर, एंथुसिएस्टिक, एंथुसिएस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट जो है लोथसम, एडजेक्टिव वर्ड है और ये है इसका हिंदी अर्थ घृणित, एंटोनिम्स है लवेबल, डिलाइटफुल, लोथसम का लवेबल, डिलाइटफुल। एक और देखिए लोकल है, एडजेक्टिव इसका है स्थानीय, मतलब एडजेक्टिव है हिंदी अर्थ स्थानीय, एंटोनिम्स हो गया नेशनल, लोकल का नेशनल या जनरल। चलिए अगला देखते हैं और ये रहा तो लॉक, लॉक तो समझते हैं ताला लगाना जो कि वर्ब है, लॉक मीन्स वर्ब, एक वर्ब वर्ड है, हिंदी अर्थ है ताला लगाना, बंद करना, लॉक कर दो, बंद कर दो, इसका ही अर्थ होता है ना, ताला लगा दो। एंटोनिम्स होता है अनलॉक, ओपन, सेपरेट। नेक्स्ट है मैड, एडजेक्टिव वर्ड है, हिंदी अर्थ पागल, उन्मत्त, एंटोनिम है एपेथेटिक, एपेथेटिक। नेक्स्ट देखिए मैग्निफिसिएंट, मैग्निफिसिएंट एडजेक्टिव वर्ड है और हिंदी अर्थ है देद्यमान, देद्यप, देदीप, देदीप्यमान, एंटोनिम्स है मॉडेस्ट, पुअर। नेक्स्ट देखिए मॉडेस्ट पुअर के बाद मैग्नीट्यूड, नॉन है और हिंदी अर्थ परिमाण, महत्व, एंटोनिम्स है स्मॉलनेस, ट्राइवियलिटी, ट्राइवियलिटी। नेक्स्ट वर्ड देखिए मेन, एडजेक्टिव है और हिंदी अर्थ है मुख्य, प्रधान, एंटोनिम्स है सब्सिडियरी, सब्सिडियरी, माइनर। नेक्स्ट वर्ड देखिए मेंटेन, वर्ब है, हिंदी अर्थ है निर्वाह करना, संभालना, निर्वाह करना, संभालना, एंटोनिम्स है ब्रेक ऑफ, नेग्लेक्ट, ब्रेक ऑफ, नेग्लेक्ट, डिनाई। नेक्स्ट देखिए वर्ड है, तो ये बहुत समझ के देखने का चीज़ है, अगर यहाँ देखिए तो यहाँ देखिए, जैसे मेंटेन है तो ब्रेक ऑफ है, नेग्लेक्ट है, डिनाई है, तो इस तरह मतलब देखिए तो एक गौर से एक नज़र देखिए, अगर याद नहीं हो रहा देखो गौर से देखें, एक बार बोलने से क्या होगा कि आपको जो आपके दिमाग में कहीं कहीं जहन में रहेगा, जब भी परीक्षा में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसने ये वाला होगा। हर चीज़ को याद नहीं रखा जा सकता लेकिन दिमाग में ध्यान में कहीं ना कहीं इसको रख कर आगे कर सकते हैं। अब देखिए मेजर, मेजर जो कि एडजेक्टिव वर्ड है, हिंदी अर्थ है प्रमुख, व्यस्क है ना, व्यस्क भी प्रमुख भी हिंदी अर्थ, और ये एंटोनिम्स है माइनर, अनइम्पॉर्टेंट, ट्राइविएट, ट्राइविएट। नेक्स्ट है मेक, वर्ब है, इसका अर्थ होता है बनाना, संपादन करना है ना, बनाना, संपादन करना, एंटोनिम्स है डिमोलिश, बनाने से बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर देना, यही वर्ड। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड जो है दोस्तों मेक का एंटोनिम्स डिमोलिश, डिस्ट्रॉय के बाद ये है मेल,
मेल का मतलब क्या होता है, मेल जो कि एडजेक्टिव वर्ड है, पुरुष यानी पुरुष भी कह सकते हैं, पुरुष संबंधी भी, एंटोनिम्स जो है फीमेल, तो मेल का फीमेल, फीमेल का मेल। नेक्स्ट है मेल वॉलेंट, एडजेक्टिव वर्ड है, हिंदी अर्थ है द्वेषी, कुबुद्धि एंटोनिम्स है फ्रेंडली, काइंड वेनोवॉलेंट, मेल वॉलेंट का वेनोवॉलेंट ऐसे याद रखिए, फ्रेंडली काइंड तो होगा ही। नेक्स्ट है मैनेज, वर्ब है व्यवस्था करना, हिंदी अर्थ प्रबंध करना, एंटोनिम्स है मिस मैनेज, मैनेज का बस मिस कर देना है, ऊपर पहले मिस लगाना है। मैनुअल है एडजेक्टिव वर्ड है, हिंदी अर्थ है हाथ से किया हुआ, जब जाहिर सी बात जानते हैं कि मैनुअल करिए, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक सेट कर दो, मैनुअल करो, सेटिंग में भी आप देखते होंगे मोबाइल में या कहीं भी, तो मैनुअल है हाथ से किया हुआ, एंटोनिम से ऑटोमेटिक यही सी बता गया, और मैकेनिकल, ऑटोमेटिक मैनुअल का ऑटोमेटिक, मैकेनिकल या ऑटोमेटिक का मैनुअल, मैकेनिकल का मैनुअल ऐसे भी हो सकता है। मैरिड एडजेक्टिव वर्ड है, हिंदी अर्थ विवाहित शादीशुदा, एंटोनिम से अनमैरिड अविवाहित सिंगल जो अकेले रहता है। देखिए मार्वलस, मार्वलस का अर्थ जो कि एडजेक्टिव है, हिंदी अर्थ है आश्चर्यजनक अद्भुत, एंटोनिम से ऑर्डिनरी ड्रेडफुल, ऑर्डिनरी ड्रेडफुल, मार्वलस का ऑर्डिनरी ड्रेडफुल, मार्वलस का ऑर्डिनरी ड्रेडफुल। नेक्स्ट दोस्तों है मिसमैचिंग, एडजेक्टिव है समान गुण का, एंटोनिम्स है अनलाइक डिफरेंट और डिससिमिलर, अनलाइक डिफरेंट और डिससिमिलर इधर आ गया। तो दोस्तों ये है, अब एक और देखिए मैच्योर, मैच्योर, मैच्योर एडजेक्टिव, हिंदी अर्थ है परिपक्व या प्रौढ़, एंटोनिम्स है इम मैच्योर, चाइल्डिश ग्रीन, इमैच्योर चाइल्डिश ग्रीन, मैच्योर का इमैच्योर चाइल्डिश ग्रीन, मैच्योर का। नेक्स्ट है मैक्सिमम, मैक्सिमम एडजेक्टिव वर्ड है, हिंदी अर्थ है मैक अधिकतम, एंटोनिम से लीस्ट, मिनिमम, लीस्ट मीन्स भी कम से कम और मिनिमम मीन्स कम से कम या न्यूनतम ऐसे भी बोलते हैं, मैक्सिमम का मिनिमम, मिनिमम का मैक्सिमम। नेक्स्ट है मिगो, एडजेक्टिव वर्ड है थोड़ा अपूर्ण, एंटोनिम से अबंडेंट, कॉपियस ओबीज, ओबीज। नेक्स्ट है मीन, एडजेक्टिव है नी, हिंदी अर्थ है नीच कुत्सी, एंटोनिम से जेनरस ऑनरेबल, जेनरस ऑनरेबल, लग्जरियस, लग्जरियस मीन का। नेक्स्ट है मीनिंगफुल, एडजेक्टिव वर्ड है हिंदी अर्थ है सार्थक अर्थपूर्ण, एंटोनिम से मीनिंगलेस, ट्रिवियल, ट्रिवियल, अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, मीनिंगफुल का मीनिंगलेस याद रखिएगा, लेस को याद रखिएगा, ट्रिवियल अनइम्पॉर्टेंट, मीनिंगलेस ट्रिवियल अनइम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है मीट, वर्ब है हिंदी अर्थ भेंट करना, एकत्र होना, और एंटोनिम से अवॉइड सेपरेट डिस्पर्स, अवॉइड सेपरेट डिस्पर्स। नेक्स्ट मेलोडियस, मेलोडियस एडजेक्टिव वर्ड है, हिंदी उसका अर्थ है सुरीला, एंटोनिम से डिस्कॉर्डेंट हार्स ग्रैटिंग, डिस्कॉर्डेंट हार्स ग्रैटिंग। नेक्स्ट है मेलनकोली, मेलनकोली एडजेक्टिव वर्ड है, हिंदी अर्थ वैमनस्य उदास, एंटोनिम से चेयरफुल जॉयफुल मेरी, मेलनकोली का क्या होगा, मेलनकोली का मेलनकोली चेयरफुल जॉयफुल मेरी। मेंड, मेन वर्ब है हिंदी अर्थ है मरम्मत करना, बनाना, संशोधन करना, एंटोनिम से ब्रेक टीयर रोशन, ब्रेक टीयर रोशन। नेक्स्ट है मेमोरेबल, हिंदी अर्थ है ये भी एडजेक्टिव है, हिंदी अर्थ है स्मरण करने योग्य, एंटोनिम्स होता है डिस्कॉर्डेंट हार्श ग्रेटिंग। नेक्स्ट देखिए मर्सीफुल एडजेक्टिव वर्ड है, हिंदी अर्थ है दयापूर्ण, और ये है एंटोनिम्स इसका मर्सीलेस, मर्सीलेस, बस मर्सीफुल के फूल की जगह लेस कर देना है, यहाँ पर फूल है तो यहाँ लेस कर देंगे, इसी तरह लेस रहेगा तो फूल कर देंगे। अब देखिए मर्सी वर्ब है, हिंदी अर्थ है दयालुता, एंटोनिम्स है सेवरिटी क्रुएल्टी, सेवरिटी क्रुएल्टी इन ह्यूमैनिटी, इन ह्यूमैनिटी। ठीक है तो दोस्तों एक और लीजिए मर्ज, मर्ज मीन्स होता है डुबाना, ठीक है मर्ज का अर्थ होता है जो कि वर्ब है डुबाना मिलाना, एंटोनिम्स है डाइवर्ज स्प्लिट सेपरेट, डाइवर्ज स्प्लिट सेपरेट मर्ज का। चलिए देखिए मेरिट, मेरिट का जो कि नाउन है हिंदी अर्थ है गुण योग्यता, एंटोनिम्स है इनफेरियोरिटी फाउल्ट
डिसएडवांटेज। नेक्स्ट है मेरिटोरियस, एडजेक्टिव है देयर्स गुण संपन्न प्रशंसा के योग्य। एंटोनिम्स है वर्थलेस डिसक्रेडिटेबल। नेक्स्ट देखिए मेरी जो कि वर्ब है हिंदी अर्थ हसमुख आनंदित है ना, मेरी का जो कि वर्ब है हिंदी अर्थ है हसमुख आनंदित। एंटोनिम्स है माइजरेबल सैड ग्लूमी, माइजरेबल सैड ग्लूमी। नेक्स्ट मिडनाइट नाउन है हिंदी अर्थ आधी रात। एंटोनिम्स है मिड डे या नॉन, मिड डे या नॉन। नेक्स्ट है माइटी एडजेक्टिव वर्ड है हिंदी अर्थ है शक्तिशाली। एंटोनिम से टीनी फिबल पुनी, टीनी फिबल पुनी। नेक्स्ट सो माइल्ड एडजेक्टिव वर्ड दयालु मृदु है। एंटोनिम से क्रूएल हार्श स्ट्रॉन्ग स्पाइसी। नेक्स्ट है मिलिटेंट एडजेक्टिव वर्ड है हिंदी अर्थ युद्ध में लगा हुआ। एंटोनिम से पैसिफिक पीसफुल रिटायरिंग। नेक्स्ट माइंड का जो कि नाउन है हिंदी अर्थ मस्तिष्क विचार स्मरण शक्ति। एंटोनिम्स बॉडी माइंड का बॉडी या डिस इनक्लाइनेशन। और लास्ट एक और यहाँ देखिए साइड में माइंडफुल एडजेक्टिव है हिंदी अर्थ सावधान सचेत। एंटोनिम्स है हेडलेस ओब्लिवियस। नेक्स्ट देखिए माइंडलेस या ऑब्जेक्टिव असावधान अचेत मूर्ख। एंटोनिम्स है इंटेलिजेंट थॉटफुल इंटरेस्टिंग। माइंडलेस का इंटेलिजेंट थॉटफुल इंटरेस्टिंग तेजी से आप यहाँ कर सकते हैं। मिनिमाइज नाउन है छोटा से छोटा बनाना, मिनिमाइज करना है। हम लोग कंप्यूटर में जो है मिनिमाइज मैक्सिमाइज करते हैं, तो मिनिमाइज का क्या होता है मैक्सिमाइज, छोटा को बड़ा करते हैं इंक्रीज करते हैं या एग्जरेटेड है ना, एग्जरेट। नेक्स्ट है मिनिमम एडजेक्टिव है न्यूनतम, इसका मैक्सिमम हो जाएगा या मोस्ट भी मोस्ट। नैरो एडजेक्टिव संकुचित हिंदी और संकुचित। एंटोनिम्स वाइड ब्रॉड ब्रॉडअप है ना, ब्रॉड यहाँ पर ब्रॉड माइंडेड ब्रॉडअप नहीं वाइड ब्रॉड माइंडेड नैरो का। नेस्टी एडजेक्टिव वर्ड है अपवित्र गंदा हिंदी अर्थ अपवित्र गंदा। एंटोनिम्स है डिलाइटफुल प्लीजेंट एग्रीएबल, डिलाइटफुल प्लीजेंट एग्रीएबल। नेक्स्ट देखिए नेशनल जो कि इसका है एडजेक्टिव और हिंदी अर्थ है राष्ट्रीय देशीय। एंटोनिम्स है लोकल इंटरनेशनल डोमेस्टिक। नेशनल का डोमेस्टिक देखिए एक तो नेशनल इंटरनेशनल नेशनल लोकल नेशनल है ना डोमेस्टिक तो एन नहीं होगा यहाँ पर डोमेस्टिक। नेक्स्ट है नेचुरल एडजेक्टिव वर्ड है हिंदी अर्थ स्वाभाविक प्राकृतिक है ना स्वाभाविक प्राकृतिक। एंटोनिम्स है एबनॉर्मल अननेचुरल आर्टिफिशियल। तो बस नेचुरल में अन करके जो है इसको अपोजिट बना सकते हैं आप। नेक्स्ट जो है तो देखिए बहुत अच्छे से नॉटी नॉटी का अर्थ हो जाता है जो कि एडजेक्टिव है अर्थ उपद्रवी या नटखट। एंटोनिम्स गुड डिसेंट ओबीडिएंट नॉटी नहीं ओबीडिएंट है। नियर एडजेक्टिव है हिंदी अर्थ है निकट समीप पास में। एंटोनिम्स फार डिस्टेंट रिमोट। नेक्स्ट है नीट एडजेक्टिव वर्ड है सुंदर साफ सुंदर या स्वच्छ सुंदर साफ एक ही बात है कैसे भी कहें आगे पीछे। एंटोनिम्स है क्लम्जी अनटीडी डिसऑर्डरली नीट का क्लम्जी अनटीडी डिसऑर्डरली। नेक्स्ट है नेसेसरी एडजेक्टिव है हिंदी अर्थ है अनिवार्य आवश्यक। एंटोनिम्स है नेसेसरी से पहले अन लगाते अननेसेसरी नॉन इसेंशियल डिस्पेंसेबल है ना इजी है ना। नीडी जो कि एडजेक्टिव वर्ड है और हिंदी अर्थ है जरूरतमंद। एंटोनिम्स है वेल्दी एफ्लुएंट। नेक्स्ट है नेगलेक्ट नाउन है हिंदी अर्थ अपेक्षा असावधानी। एंटोनिम्स है केयर अटेंशन नेग्लिजेंट और ये एडजेक्टिव है हिंदी अर्थ है लापरवाह असावधान। एंटोनिम्स क्या है अटेंटिव केयरफुल। दोस्तों ये जो था बहुत सारे आपने वर्ड्स देखे और लगातार आपने अगर रिपीट करना चाहते हैं तो आप फिर से देखिए और देखिए प्रैक्टिस के व्यू से भी और आने वाले परीक्षाओं में चाहे कोई परीक्षा जहां आपको इंग्लिश पूछा जाता है एंटोनिम्स खासकर तो वहां पर देख सकते हैं और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आंसर के भी हमारे पास अवेलेबल है तो ओमनी सेट इंग्लिश में जाकर आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। थैंक कोचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।